नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कूल गुरुजी में। और विद्यार्थियों, जो आज पेपर हल करवाने वाला हूँ वो है आपके विज्ञान विषय का। विज्ञान विषय का आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट साबित होगा विद्यार्थियों, जिससे आपका 90+ वो सिलेबस इन्हीं पेपर से आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपने एक साल में क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है वो बाद की बात है, लेकिन आपका एग्ज़ाम है वो बहुत नज़दीक है। आपने अगर तैयारी नहीं की है, आपको कुछ भी याद नहीं है, तो निश्चिंत रहिए, आपका स्कोर है वो बाकी विद्यार्थियों से बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो, ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हो, इसी पेपर को याद कर लेते हो, तो काफ़ी अच्छा स्कोर होगा आपका। ओके, तो देखिए, ये मेरा अनुभव है, ये बेहतरीन अनुभवी टीचरों द्वारा आपको उपलब्ध करवाया जाता है, पेपर तैयार किए जाते हैं, और मैं इसी चैनल पर आपको वो पेपर सॉल्यूशन करवा देता हूँ। ये मेरा अनुभव है, हर बार हर साल मैं आपको इसी चैनल पर सॉल्यूशन करवाता हूँ, पेपर पर आपको तैयार करवाता हूँ, और क्योंकि उन्हीं में से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस बार भी पूछे जाएंगे। बस रिक्वेस्ट है, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव आ टाइप की क्वेश्चन आएंगे, बहुवैकल्पिक प्रश्न आएंगे, और उसमें सबसे पहला है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक तंतु कौन सा है। प्राकृतिक तंतु की बात करी है तो इसमें ऊन हो जाएगा। मैं चार ऑप्शन नहीं पढ़ने वाला, सीधा सा आंसर बताऊंगा। ज़्यादा पढ़ेंगे तो फालतू का चीज़ें पढ़ेंगे तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, तो सीधे से अपने मुद्दे की बात करेंगे। निम्नलिखित में से अनुक्रमित परिवर्तन है, ठीक है, ऐसा परिवर्तन जो एक बार होने के पश्चात दोबारा नहीं होता, समझ गए, जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही बनता है ना, वापस दही से दूध थोड़े ही बनेगा, तो ये आपका अनुक्रमित हो जाएगा, अनुक्रमित हो। और उसके बाद आपका है कोहनी की संधि किस प्रकार की संधि है। जो कोहनी की है वो आपका हिज संधि, कोहनी में और घुटने में हिज संधि पाई जाती है। जैव घटक का उदाहरण कौन सा है, तो जैव जिसमें जीव पाया जाता है गाय। पारदर्शी वस्तु का उदाहरण कांच, कांच पारदर्शी का मतलब जिसके आर पार दिखाई देता हो। और निम्नलिखित निम्न में से चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण, चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय और आकर्षित होते हैं, लोहा क्या हो जाएगा, आयरन हो जाएगा। अब देखिए, यह तो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाला, जो कि मैंने बता दिया अंग्रेजी में भी आपके साथ में लिखे हुए हैं, बाई लैंग्वेज है यह पेपर, तो अंग्रेजी वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। अब देखिए, अब आपके अति लघुतात्मक खाली जगह वगैरह आएंगे, जैसे उत्क्रमित परिवर्तन क्या है, जैसे पहले उत्क्रमित अनुक्रमित के बारे में पूछा गया है ऑप्शन में, अब इसमें पूछा है कि उत्क्रमित परिवर्तन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, तो विद्यार्थी एक ऐसा परिवर्तन जो एक बार होने के पश्चात दोबारा अपनी पहली स्थिति में वापस आ जाता है। जैसे हम कागज़ होता है, कागज़ को मोड़ते हैं, वापस कागज़ को उसी रूप में ला सकते हैं ना, ठीक है। तो जैसे पानी है, पानी को गर्म करेंगे तो भाप बनेगी, वापस भाप से हम पानी बना सकते हैं ठंडा करने के बाद, यही तो होता है उत्क्रमित परिवर्तन। उसके बाद है अचल संधि क्या है। अचल संधि विद्यार्थियों, जो गति नहीं करती हो उसे अचल संधि कहते हैं, जो मोशन नहीं करती हो, गति नहीं करती हो। गति से आप क्या समझते हो, प्रश्न पूछा है गति से आप क्या समझते हो, तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, उसे ही गति कहेंगे, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। विद्युत चालक पदार्थ क्या होते हैं, विद्युत चालक क्या होते हैं, विद्युत चालक जो ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत को जाने देते हैं, ठीक है, जिसमें विद्युत का प्रवाह होता है उसे विद्युत चालक कहते हैं। बिल्कुल आसान है, गाय एक शाकाहारी जंतु है और लोहे तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है, और हमारे शरीर की जो विद्युत का चालक होता है, हमारे शरीर में विद्युत का चालक होता है। ये हो गया आपका खाली जगह वाले और अति लघुतात्मक। अब सेक्शन बी, सेक्शन यानी खंड ब में आपका पूछा जाएगा लघुतात्मक, थोड़े इससे बड़े प्रश्न पूछ जाएंगे विद्यार्थियों। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, यह आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है आपके एग्जाम के लिए, रामबाण साबित होगा। रिक्वेस्ट है, अगर इग्नोर करो तो नुकसान आपका होगा, फिर मत कहना, और अगर विश्वास नहीं होता एक बार एग्जाम लेने के बाद वापस इस वीडियो को देख लेना, तभी पता चलेगा एग्जाम में प्रश्न कहाँ से आए थे। ओके, तो आप सभी समझदार हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, नौवां है कि शाकाहारी जंतु किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिए। शाकाहारी जंतु बहुत आसान है, जो पादप उत्पाद खाते हैं उसे शाकाहारी जंतु कहते हैं, गाय भैंस है, बकरी है, घोड़ा है, ये सब शाकाहारी है। तो मांसाहारी अथवा में, अथवा में का मतलब होता है, देखो यहाँ और देर रखा है ना, और का अर्थ होता है कि दोनों में से आपको कोई एक करना है, दोनों में से कोई एक करना है, या तो फिर आप ये कर सकते हो, या फिर ये हमेशा कई बार आपको अथवा में शब्द दिखे या और दिखे तो दोनों में से कोई एक करना है, तो आपको दोनों तैयार करने, मैं बताऊंगा आपको दोनों तैयार करने, ये भी करने ये भी करने, क्योंकि एग्जाम में दोनों में से कोई एक 100% पूछा जाएगा। जैसे मांसाहारी जंतु जो मांस खाते हैं, शेर है, चीता है, ठीक है, लोमड़ी है, जैसे ये सब मांसाहारी जंतु है। संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं, ऐसे ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व हो उसे संतुलित आहार कहते हैं। ये अथवा में दे रखा है, तो ये भोजन के प्रमुख पोषक तत्व तो कौन से हैं, तो शायद आपको पता होगा, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और जल। निष्पावन से, निष्पावन किसे कहते हैं, निष्पावन, निष्पावन का ये जो विधि होती है,
पदार्थों को पृथक करने की जो विधि होती है निष्पावन, ये वायु द्वारा मिश्रण के अवयवों को पृथक करता है, यानी जब हम वायु के द्वारा जो मिश्रण के जो कण होते हैं उनको अलग करते हैं उसे निष्पावन कहते हैं। दुराग्र संधि से आप क्या समझते हैं? दुराग्र जो धड़ और सिर को जोड़ने वाली जो संधि होती है उसे दुराग्र संधि कहते हैं, जो गले में पाई जाती है, जो गर्दन में पाई जाती है और हमारे धड़ और क्या है सिर को जोड़ती है उसे दुराग्र संधि कहते हैं। चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय ओर आकर्षित होते हैं, जैसे लोहा है वगैरह, ठीक है, ये चुंबकीय। और अचुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय ओर आकर्षित नहीं होते हैं, जैसे कोई भी लकड़ी है, रबर है, ये हो गया आपका अति लघु उत्तराद। लघु उत्तराद उसके बाद आपका निबंधात्मक प्रश्न आएंगे, उससे थोड़े और बड़े आएंगे, देखिएगा। और सेक्शन सी में आपका प्रश्न आएगा कि प्राकृतिक तंतु क्या है, उदाहरण दीजिए। ये अथवा में दे रखा है ना, और ध्यान रखना इस बात का, दोनों नहीं करना है आपको एग्जाम में, एग्जाम एक ही करना है। प्राकृतिक तंतु जो पेड़ पौधों या ठीक है से प्राप्त किए जाते हैं, पेड़ पौधों से या जंतुओं से प्राप्त करने वाले जो तंतु होते हैं उसे प्राकृतिक, जैसे ऊन है, ठीक है, ये जो है ना ऊन है, रुई है, ये सब कपास है, ये है प्राकृतिक तंतु है। संश्लेषित जो जो फेक बनाए जाते हैं मानव द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, ये वाले जो संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? संतृप्त विलयन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संतृप्त विलयन दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलायक में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? संतृप्त। यदि अगर निश्चित तापमान पर यदि कोई विलायक में विलेय नहीं घुलता है तो वह संतृप्त विलेय कहलाएगा। थ्रेशिंग विधि को उदाहरण सहित समझाइए। थ्रेशिंग विधि क्या होती है? थ्रेशर के द्वारा पदार्थ के मिश्रण को अवयवों को अलग करना, भूसे को अलग करना, तो ये आपका थ्रेशिंग विधि होती है थ्रेशर के द्वारा। बहुत आसान है, बहुत ये ज़्यादा हार्ड आपके एग्जाम में आएगा नहीं, तो रिक्वेस्ट है वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हो तो निश्चित तौर पर आपका स्कोर है वो बेहतर रहेगा। बस उम्मीद है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसकी PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब देखिए आप पूछ रहे हैं कि हिज संधि को उदाहरण देकर समझाइए। मैंने पहले बताया हिज संधि है वो हमारे घुटनों और कोहनी में पाई जाती है। हिज संधि कहाँ पाई जाती है? कोहनी और घुटनों में पाई जाती है जो ये संधि। कंदुक खली का संधि क्या उदाहरण द्वारा समझाइए? कंदुक खली का है जो हमारे कंधे में कंधे को जोड़ने वाली संधि है वो हाथ और जो धड़ होता है और हाथ को जोड़ने वाली कंधे की जो संधि होती है उसे कंदुक खली का संधि कहते हैं। ये हो गया आपका। उसके बाद आपका खंड सेक्शन डी में आपको मिलान करना पड़ेगा। जैसे कि पंखा है, पंखे की गति कैसी हो जाएगी आपका? पहले पंखे की गति, तो पंखे की हो जाएगी आपका वर्तुल गति। क्या हो जाएगी? वर्तुल गति। रेलगाड़ी की आपका सरल रेखी हो जाएगी और घड़ी का जो पेंडुलम है वो आपका आवर्ती गति वाला हो जाएगा और गेंद है उसकी गति है घूर्णन गति है। ओके, ये हो गया। और नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट भी आपका 18वां है, मिलान करना है। दे रखा है कि लोहा, लोहा है विद्युत का चालक है, ठीक है, प्लास्टिक विद्युत का रोधक है, लकड़ी विद्युत का रोधक है और तांबा विद्युत का चालक है। बहुत आसान है ये तो। ये अथवा में दे रखा है आपको, दोनों में से कोई एक करना है एग्जाम में, लेकिन आपको ये तैयार भी करना है विद्युत सेल क्या है, विद्युत स्विच क्या है, ठीक है, ये मैंने करवा दिया 18। इनमें से ये भी करना है, ये भी करना है, आपको तैयार करना है, दोनों में से कोई एक पूछा जा सकता है। उसके बाद अनुकूलन क्या है उदाहरण देकर समझाइए। सजीव क्या है, इनके प्रमुख गुण बताइए और निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी है। सजीवों में श्वसन और सजीवों में उत्सर्जन। अब यहाँ जो प्रश्न दे रखे हैं ना, तीन, एक 19वें प्रश्न के अंदर तीन प्रश्न दे रखे, एक दो तीन, अब तीन है एग्जाम में आएगा, तीनों में से आपको एक करना है। क्या करना है? एक। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक दो और तीन तीनों ही तैयार करें। आपको क्या करना है? तीनों ही पूछे जाएंगे, तीनों में से एक तो आपको 100% पूछा जाएगा। अगर इग्नोर करोगे तो नुकसान आपका है, तो तैयार कर लेना। आप कह रहा हूँ अभी से तीनों ही तीनों आपको तैयार करने हैं, ठीक है, मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगा। अभी जो 20वां प्रश्न है क्या दे रखा है कि पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभाषी वस्तु किसे कहते हैं? उदाहरण सही देखो, पारदर्शी होती जिसके आर पार दिखाई देता है, अपारदर्शी जिसके आर पार नहीं दिखाई देता, और पारभाषी जिसके आर पार तो दिखाई देता है लेकिन धुंधला दिखाई देता है। ओके, ये भी तीन प्रश्न आएंगे आपके, यहाँ मैं बता देता हूँ आपको। एक ये दे रखा है, ये दे रखा है, और ये साया क्या होती है, क्यों बनती है, और प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। और देखिए साया है, अगर किसी प्रकाश के पथ में आप कोई ठोस अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उस पर साया बनती है, तो बहुत आसान है, ठीक है। और एक जो ये प्रश्न दे रखा है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो अगर किसी प्रकाश किसी ठोस सिकने वस्तु से टकरा कर वापस उसी दिशा में चला जाता है तो उसी प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये आपका तीनों ही तैयार करने जो बता दिया, ये 20वें में तीन है और 19वें में भी आपका तीन प्रश्न है, ये भी सभी ये 100% पूछा जाएगा आपके
तीनों में से एक तो आपका 100% कह रहा हूँ पूछा जाएगा, तो अभी से तैयार करके रखना, एग्जाम में आपका बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, आपका 90+ है वो सिलेबस कवर हो जाएगा, स्कोर हो जाएगा आपका इसी से। तो उम्मीद है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा, मैंने पूरा का पूरा सॉल्यूशन करवा दिया इस कक्षा से का विज्ञान विषय का पेपर। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप बने रहिए हमारे।